बैक टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि पेपर लीक के बाद आयोग पहली बार जो है सबसे बड़ी परीक्षा करा रहा है सचिवालय रक्षक की, जो कि आपकी 21 मई को जिसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। आधे घंटे पहले बंद होगा प्रवेश आपको एग्जामिनेशन सेंटर में। तो पूरी अलर्टनेस क्या है और क्या क्या जो है चेंजेस आयोग आने वाले भविष्य में करने वाला है, पूरी खबर इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी खबर जो है 21 मई को, जी हाँ 21 मई को 62 केंद्रों पर होगी सचिवालय रक्षक की जो परीक्षा है। ये उन री एग्जाम्स में से है, जैसे कि आपको बताया कि 3 बड़े एग्ज़ाम जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कैंसिल कर दिए थे, जिसमें से सचिवालय रक्षक बंद रहेगा और वीडियो भी पीडियो का था। तो सबसे पहले 21 मई को जो है सचिवालय रक्षक की परीक्षा होने वाली है। लगभग 25,806 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं और आप जो है एडमिट कार्ड भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि पहली बार जो परीक्षा होती 25,000 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 सितंबर 2021 को प्रदेश के 107 केंद्रों में परीक्षा आयोजित थी। इस परीक्षा में करीब 25,805 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 6 माह बाद परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया था, लेकिन सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दी गई, लेकिन इसके बाद अन्य परीक्षाओं में हुए धांधली के मामले में ये परीक्षा भी आई थी, जिसके बाद से यहाँ पर जो है इसको भी रद्द कर दिया गया था। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैमर भी लगाए गए हैं, धारा 144 लागू होगी उस दिन। उसके अलावा श्रीनगर, नैनीताल, आप देख सकते हैं जो सेंटर बनाए गए हैं इस पर केवल 4 सेंटर बनाए गए हैं, देहरादून, नैनीताल, श्रीनगर और अल्मोड़ा के 62 केंद्रों पर होगी। SSSC के जो अध्यक्ष हैं GS माथुरिया जी ने खुद इन सेंटर्स पे विजिट किया था और कहा कि भर्ती परीक्षा को हर तरीके से विवाद रहित बनाने की सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया है। इस बार आउटसोर्स एजेंसी के बजाय उत्तराखंड पुलिस से ही मदद मांगी गई है। परीक्षा केंद्रों पर बाहरी सुरक्षा को लेकर जाँच की जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस की रहेगी। आयोग ने देहरादून कोषागार में भी रखी जाने वाली आंसर कापी की भी पुख्ता सुरक्षा, डबल लॉकर और CCTV कैमरे में निगरानी की गई है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बयान दर्ज हुआ है GS मार्टोलिया जी का। उन्होंने क्या कहा है कि आगामी 21 मई को होने जा रही सचिवालय रक्षक दल की परीक्षा को लेकर UA अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। पिछले साल जुलाई में सामने आए भर्ती घोटाले के बाद आगामी 21 मई को होने जा रही परीक्षा ऑफलाइन लिखित भर्ती परीक्षा को लेकर आयोग पूरी तरह से यहाँ पर सजग है। इस बार कोई चूक ना हो इसके लिए आयोग परीक्षा केंद्रों पर जैमर और बायोमेट्रिक मशीन लगाने जा रही है। इसके लिए आयोग को सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने की केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही बायोमेट्रिक का भी 100% मिलान किया जाएगा। GS मार्तोलिया, अध्यक्ष उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो अब देखना है कि किस तरह से ये परीक्षा संपूर्ण होती है, वो तो 21 मई को पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।